फ्रेंड्स, होम फर्स्ट फाइनेंस के पहले क्वार्टर के रिजल्ट आ गए और यहाँ पर इस बार सभी फाइनेंशियल कंपनियों के रिजल्ट ठीक ठाक आने का अनुमान था, तो यहाँ पर भी वैसे ही नतीजे आए। और इस रिजल्ट के ऊपर बात करें उससे पहले मैं फ्रेंड्स इस शेयर के ऊपर अपना व्यू रखना चाहूँगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये शेयर अभी जो 550 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये शेयर अगले आने वाले दिनों में हैप्पीस्ट माइंड का शेयर जैसे चल रहा है वैसे चल सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट 4,200 करोड़ के आसपास है। और SBI, HDFC जैसे बैंकों की होम लोन पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो 4-5 लाख करोड़ के आसपास, यानी कि होम फर्स्ट फाइनेंस से 100 गुना होम लोन पोर्टफोलियो होता है। तो भारत के अंदर इतना बड़ा होम लोन मार्केट है, तो इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि इसका अगले आने वाले 5, 7, 8, 10 साल में यहाँ से होम लोन पोर्टफोलियो 10, 15, 20 गुना भी हो सकता है अगर ये बहुत ही तेज़ गति से ग्रो करती है तो। और इसके अलावा फ्रेंड्स अभी शॉर्ट टर्म में तो ये बहुत ही तेज़ गति से ग्रो कर ही रही है, तो ओवरऑल इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक अभी जो अपने IPO प्राइस के आसपास मिल रहा है, ये अगले आने वाले दिनों में यहाँ से मल्टीबैगर साबित होने वाला है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स रिजल्ट की बात करें तो नॉर्मली हम किसी भी फाइनेंशियल कंपनी के रिजल्ट को Q-on-Q देखते हैं, तो आप ये देख सकते हो पिछले क्वार्टर में 109 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम थी, वो बढ़कर 115 करोड़ पर आई, तो यहाँ पर 5% के आसपास की हमको इंटरेस्ट इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिले। और फीस एंड कमीशन से इनकम पिछले क्वार्टर के मुकाबले हल्की सी यहाँ पर घट कर आई। और इसके अलावा फ्रेंड्स दूसरी जो इनकम है वो 18 करोड़ से बढ़कर 19 करोड़ हुई, और टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो पिछले क्वार्टर में 131 करोड़ थी वो बढ़कर 138 करोड़ आई, तो यहाँ पर ठीक ठाक बढ़ोतरी है क्योंकि पिछले साल भी इतनी ही टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस थी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो पिछले साल जो 52 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो घटकर 47 करोड़ पर आया, क्योंकि इस बार होम फर्स्ट फाइनेंस ने 13 करोड़ का प्रोविज़न बना है ऐसा हमको यहाँ पर रिजल्ट में दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो पिछले साल 38 करोड़ का प्रॉफिट था उसके सामने इस पर प्रॉफिट घटकर 35 करोड़ पर आया, तो यहाँ पर ठीक ठाक नतीजे आए हैं ऐसा हम कह सकते हैं। और अब बात करते हैं जो भी कोई भी फाइनेंशियल कंपनी में एसेट अंडर मैनेजमेंट कितनी तेज़ गति से बढ़ रही है वो देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स टोटल इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट 4,294 करोड़ और उसमें से पहले क्वार्टर में ही 300 करोड़ से ज़्यादा का इसने डिसबर्समेंट कर दिया, यानी कि लोन बांट दिए। तो फ्रेंड्स 8-10% अपने पोर्टफोलियो का लोन इसी क्वार्टर में बांट दिया, तो यह मुझे तो बहुत ही तेज़ गति से ग्रो करने वाली कंपनी दिखाई दे रही है। और इसका ग्रोस NPA भी आप देख सकते हो 2% से भी अंदर है, तो यहाँ पर NPA भी कंट्रोल में। तो ओवरऑल फ्रेंड्स ये रिजल्ट ठीक ठाक है, मगर अगले आने वाले दिनों में यह कंपनी बहुत ही तेज़ गति से लोन बांट सकती है, और इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि अब यहाँ से इस शेयर में धीरे धीरे बाइंग शुरू होगी और अगले आने वाले दिनों में यहाँ से ये बहुत ही अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो जो भी लोग इस शेयर को होल्ड कर रहे हैं उसको डेफिनेटली इसको होल्ड करके रखना चाहिए, और जिसको इस शेयर को बाय करना है वो करंट प्राइस पर इसको बाय कर सकते हैं।